नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत करते हैं शेयर बाजार में, यानी कि विकी बैंक निफ्टी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेयर CDSL शेयर का नाम है। शेयर का फंडामेंटल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, ना ही एनालाइज करने के लिए जाएंगे। ओनली ऑन टेक्निकल एनालिस के जरिए इस शेयर में आने वाले मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से कैच किया जाए और कितने दूर तक का मूवमेंट आएगा और कहाँ स्टॉप लॉस को आपको निर्धारित करना है, वो इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मंथली, वीकली, डेली हर टाइम फ्रेम में जाकर इस शेयर को एनालाइज करेंगे और तीन ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे, RSI, वॉल्यूम एंड बोलिंजर बैंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से शेष तक देखना ना भूले और स्किप ना करें फ्रेंड। कौन जानता है कि आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट शब्द छूट जाए। चलिए CDSL, ये है मंथली का चार्ट CDSL शेयर। तो जैसा कि देख पा रहे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर 20 डे मूविंग एवरेज है, ये मिडिल में, ठीक है, उसको ब्रेक करने की कोशिश में है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँ, एकदम सिंपल एनालाइज, एकदम सिंपल। देखिए पहले महीने यहाँ पर एक होता है ट्विजर बॉटम, एक ट्विजर टॉप। तो ये ट्विजर बॉटम है, मतलब दो ही कैंडल सेम साइज का, सेम बॉडी का, सब कुछ सेम होगा। ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम। तो ट्विजर को जानने के लिए आप गूगल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर कोई गूगल नहीं करूँगा। उसके बाद अगला महीना उसके हाई को, नहीं इसको लो में खुला, उसके हाई में क्लोज हुआ। फिर उसके अगले महीने उसके हाई में ही क्लोज हुआ। फिर उसके महीने अगले हाई में क्लोज हुआ। और देन यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, रेड वॉल्यूम रेड में ज़्यादा है बट इसके भी आप में कम है। और यदि ज़्यादा है तो इसके लो को क्यों नहीं ब्रेक की मार्केट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उत्पन्न होता है। बट इस बार ब्रेक नहीं किया और अपर साइड का मूवमेंट करी। इसका मतलब क्या समझते हैं आप, सेलर नहीं है, बायर एक्टिव है। और साथ में थोड़ा यहाँ टाइम पास क्यों कर रही है मार्केट, कारण यहाँ पर RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पर बता रहे रेजिस्टेंस है। मतलब इसके जरिए भी ये पता चलता है कि रेजिस्टेंस है, और आने वाले ये इस कैंडल के जरिए भी ये पता चलता है रेजिस्टेंस है। बट अब इस रेजिस्टेंस का और डीप जानने के लिए आपको वीकली टाइम फ्रेम जाएगा। बहुत अच्छा एक पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, रीटेस्टिंग हुआ है। तो चलिए उस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर दूँ आप लोगों के सामने। ये देखिए मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, और आप लोग आँखों से देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहीं हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद ये रीटेस्टिंग हुआ। रीटेस्टिंग में वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट सेटअप बन रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ क्यों नहीं वीडियो बना, यहाँ क्यों बढ़ा रहे हैं सर। तो सर जी यहाँ पर एक दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आया है सर जी, वीकली में नहीं, कंफर्म तो इसी कैंडल में मैं हो गया था जब यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ 60 के ऊपर आ रहा था मार्केट, उसी टाइम मैं कंफर्म हो चुका था। बट एक और कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था जो आज हुआ, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। तो अब हम टारगेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एकदम सिंपल सा ट्रेंड लाइन लेके आएंगे। ये एक ट्रेंड लाइन आ गई यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे टारगेट निकालने के लिए, इसका जो डीप है, डीप कहाँ है, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ मतलब 395, चलिए 395, 395 यहाँ से ये वाह बहुत सुंदर उत्तम 395 यहाँ आ रहा है। ये देखिए यहाँ करीब करीब यहाँ, तो इसका मतलब क्या समझिए आप कि 395 टारगेट भी है, 395 पे एक रेजिस्टेंस भी है। कितना अच्छा तरीका से मैंने टारगेट को निकाला और वहीं पर रेजिस्टेंस है, क्या खूब तकनीक मैंने आजमाया है। आप लोग भी यही तकनीक आजमाइए और आपको टारगेट भी मिल जाएंगे, रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। नो डिसाइड, आपको डिसाइड नहीं करना टारगेट कितना है। तो 1500 में से 50 रुपये कम, 1225 में है, मतलब आपको अभी भी यहाँ से मिनिमम 300 पॉइंट का मोमेंटम होने वाला है अभी भी, ठीक है। ये साफ साफ पता चल गया आपको। अब एंट्री पॉइंट कहाँ होगा, डेली टाइम पे में जाएंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा। अब देखिए क्यों मैं बोलता हूँ वॉल्यूम इंडिकेटर, उसका पीछे का रीज़न देख लीजिए, क्यों मैं बोला कि एक दिन में इतना बड़ा है, इतना ऊपर गया शेयर। ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम था, वॉल्यूम उतना, रेड में वॉल्यूम कम है, ग्रीन में वॉल्यूम ज़्यादा है। बट यहाँ पर एक जो कोटेशन है ना, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग करने के लिए नियम को पूरा करने मार्केट आती है, आई थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए इसमें कितना हाई वॉल्यूम में देख पा रहे आप। ये मेरा RSI कहाँ चला गया, ये। और RSI में एक और खूबी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आप लोग चौकन्ने रहो, पहले एक एक चीज़ दिखा दो। ये देखिए वॉल्यूम हाई है
और ये ऊपर भी जा रही है, स्क्वीज ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और कल क्या होगा पता है, लिख लीजिए यहाँ पर एक खाता में निकाल के क्या हो सकता है, ये देख लीजिए, ये गैप अप होगा, गैप अप, या तो गैप अप होगा, इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा, स्क्वीज ओपन हो जाएगा और 60 के ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। यदि सेलिंग आई होती इंड ऑफ टाइम तो मार्केट को थोड़ा तो रिटेस्टमेंट करना चाहिए था, बट सेलिंग नहीं आई, मतलब सेलर नहीं है, बायर एक्टिव है, किसी भी भाव प्राइस पर बाई करने के लिए एक्टिव है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए, जब मार्केट एक रेंज में है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये तो यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है फ्रेंड, इसे बोलते हैं डाइवर्जन, बट ये एक रेंज में है, ठीक है, ये एक रेंज में है मार्केट, यहाँ से यहाँ एक रेंज है, इस रेंज के अंदर जब मार्केट है तो ये पैटर्न देखिए 40 पर सपोर्ट, 40 को ब्रेक की एक डाइवर्जन क्रिएट की, रेंज में है तो डाइवर्जन क्रिएट हुआ, डाइवर्जन एकदम सही तरह से तरीके से काम भी किया, मार्केट ब्रेकअप भी हुआ, और अब मार्केट आपको और डीप जाना, थोड़ा आवरली जाए ना, अरे वाह लाजवाब, डाइवर्जन का वर्क देख लीजिए, ये देख लीजिए मार्केट यहाँ से यहाँ रेंज में, पर यहाँ से यहाँ डाइवर्जन है, मतलब सेलिंग में पावर नहीं, बाइंग में पावर है। कितना सुंदर तरीके से मैंने आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया। तो फ्रेंड मैं आशा यही कर सकता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आपको टारगेट मिल गए, स्टॉप लॉस, अरे स्टॉप लॉस भैया ये 1160 ले लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल ही बन चुका है, या फिर आप लोग 1120 ले लीजिएगा एक दिन में, जिसका कोई हिसाब नहीं। मार्केट जब बढ़ती है ना ताबड़तोड़ बढ़ती है, गिरती भी तो ताबड़तोड़, साइडवेज बेकार मार्केट होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मैंने मंथली वीकली डेली हर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके हर टाइम फ्रेम का सिग्नल्स को आपको आइडेंटिफाई करके दिया है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ना समझ में आए तो मैं बार बार बोलता हूँ, प्रत्येक कमेंट का स्पेशल वीडियो मैं बनाता हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।